की न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज जा रहे हैं हम वैष्णो देवी टेम्पल। जो कौन कौन चल रहा है वो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारी सीट अलग अलग थी और हम अलग अलग डब्बे में बैठे हुए थे और अपने अपने डब्बे में बैठकर आनंद उठा रहे थे कटरा का। जैसे ही हमारी ट्रेन जम्मू गई, वहाँ का व्यू ही चेंज हो गया, पूरा कोहरा ही कोहरा दिख रहा है चारों तरफ। आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ पर ठंड का धीरे धीरे एहसास चालू हो गया हमें, और हम सब भी पूरी तैयारी से आए थे और यहाँ पर हम पहुँच गए कटरा। और कटरा पहुँचने के बाद हमें दिखा एक पोस्टर जिसपे श्री माता वैष्णो देवी का हमें स्लिप लेना था यात्रा का, और हमने वो आगे चलकर ले लिया वहाँ पर। यहाँ पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से हमने यात्रा कार्ड नहीं बनवाया, और हमने अपना यात्रा कार्ड बनाया अपने बस स्टैंड। और ये कटरा के बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। भीड़ होने के बाद भी हम यहाँ से बाहर निकल गए, और हमें पकड़ना था अपना वैन जो हमें छोड़ेगी हमारे होटल के पास। वैन हमें थोड़ा आगे से मिलेगा, इसलिए हम चलते चलते यात्रा का मजा उठाया। आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है, और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। पीछे का नज़ारा देखकर तो आपको पता लग ही गया होगा कि कितना खास होने वाला है आज का ब्लॉग। और अभी मैं वैष्णो देवी टेम्पल जाऊंगा, और अभी मैं कटरा के अंदर हूँ, और यहाँ के मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, कुछ व्यू दिखाता हूँ, देखिए। और अभी आधे बंदे चले गए, आधे यहीं पर वेट कर रहे हैं, तो अभी चलेंगे। ये आ चुकी है गाड़ी, इसके अंदर अभी हमें जाना है, ये होटल तक छोड़ेगी गाड़ी, तो चलते हैं इसके अंदर बैठते हैं। सामान वगैरह रख रहे हैं अभी ऊपर, और आधे बंदे चले गए, और आधे बंदे इसमें आप पूरे चले जाएंगे। और कौन कौन गया वो सब मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। और नज़ारा बहुत ही खास है यहाँ का, और आपको भी दर्शन करवाऊंगा वैष्णो देवी टेम्पल का। तो चलिए मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। हेलो ब्रो, व्हाट्सअप। और अभी हम वैन में बैठ चुके हैं, यहाँ से जाएंगे होटल, फिर एक्सप्रेस होकर बालगंगा जाएंगे। उसके बाद टिकट वगैरह भी कटवानी है ना आंटी जी, किस चीज़ की? दर्शन की टिकट कटवाएंगे और फिर चलेंगे चढ़ाई पे। और यहाँ पर वैन रुक चुकी है, और ये हमारा होटल है दी वहाँ खड़िया बाबू को लेकर। तो इस होटल में हमारे को स्टे करना है, और अभी एक तो बंदे और रुके हुए हैं, उन्हें भी लेके आ रहे हैं, और सारे बंदे इस होटल में स्टे करेंगे। तो चलते हैं होटल के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमारा होटल है, अभी हमारा ऊपर है तो ऊपर चलते हैं। हमारा होटल ये गर्ल्स का होटल था, और हमारा होटल ये है, कुछ इस तरीके से हमारा होटल है। और इसमें बस हम सामान रखेंगे, और ये रहा छोटा सा बाथरूम, और ये राम है। तो चलो अभी फ्रेश व्रेश होकर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। ऊपर का मैंने चेंज कर लिया, नीचे का सेम है, क्योंकि वहाँ पर बालगंगा में नहाऊंगा तो नीचे का भी चेंज हो जाएगा। ये सारा सामान लॉकर में रखवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो ये हमारे होटल की बालकनी है, एक रूम मिला जिसके अंदर बालकनी थी, तो ये बालकनी छोटी थी। और यहाँ से ये देखो नज़ारा तरीके से है, ये सारे होटल है लाइन से। रेडी होकर नीचे बैठे मैं और चंदन भाई रेडी हो गए, और बाकी सब अभी ऊपर नहा रहे हैं, और आधे रेडी हो चुके हैं। तो 5-10 मिनट में सारे नीचे आएंगे और अपने बैग लॉकअप में जमा करवा कर फिर यहाँ से निकलेंगे बालगंगा की तरफ। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you. तो यहाँ से हमें मिलेगी यात्रा पर्ची, और हमारे सामने आप देख सकते हो व्यू। तो चलते हैं यात्रा पर्ची लेते हैं, और उसके बाद चलेंगे वैष्णो देवी की चढ़ाई पे। तो ये रही यात्रा पर्ची की लाइन जहाँ पर हम जा रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत प्यारा सा दृश्य है। और लाइन में हम चलते चलते जा रहे हैं फटाफट, तो लाइन अभी बहुत लंबी है, बट अभी हमें खाली मिला है तो हम फटाफट अपनी यात्रा पर्ची बना सकते हैं। और ये हमारा श्री माता वैष्णो देवी का कार्ड बन चुका है, जिससे दिखाकर हम अंदर एंटर करेंगे, इसके बिना एंटर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये कार्ड बनाना पड़ता है, और हमारा कार्ड बन चुका है।
और यहाँ पर हमारा कार्ड बन चुका है हम सबका, और इन्होंने माता रानी का, सबने चुन्नी पहन लिया, बोलो जय माता दी, सबने चुन्नी पहन लिया, ठीक है, और हम भी अभी पहनेंगे, तो हम भी अपनी चुन्नी लेने जाते हैं माता रानी की, जय माता दी। तो यहाँ पर सबने माता जी की चुन्नी बांध ली है सबने, अरे गोल गोलू जय माता दी, सबने बांध ली है माता जी की चुन्नी। तो यहाँ पर हमें उतार दिया गया है और यहीं से बालगंगा यात्रा स्टार्ट होगी हमारी। अंकल जी भी उतर रहे और ये रहा सन्नी, ये रहा बंटी, यहाँ से हमारी बालगंगा यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो ये रास्ता है और ये सारे हैं हम। हेलो हेलो, ये देखो सारे माता जी की चुनरी पहनकर। और यहाँ पर हमें एक बरगद का पेड़ दिखा जिस पर सभी अपने अपने चुन्नी बांध कर अपनी विश मांगते हैं, और जो भी उनकी विश होती है वो पूरा होने के बाद वो यहाँ पर आकर चुन्नी खोली जाती है। अरे बेस्ट फ्रेंड से मिलो, अभी गुस्सा है, बाद में मिलेगा, ये अभी थोड़ा सा गुस्सा है तो इससे हम ये बात नहीं करेंगे क्योंकि गुस्से में लात मारता है और हमें लात अच्छी लगती नहीं है खानी। तो अभी आगे चल रहे हैं और सामने आप पहाड़ देख सकते हो, कितना प्यारा दृश्य है ये पहाड़ों का। और हमें देख रहे हो कहाँ पर जाना है, वो चोटी पर जाना है भाई, तो बहुत दूर चलना है। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, तो चले आगे चलो। और अभी यहाँ पर मैं हूँ, सन्नी की वाइफ है और सन्नी है, तो बाकी सारे आगे जा चुके हैं तो हम भी चल रहे हैं, फटाफट थोड़ा पीछे रह गए। और वो सारे वो देखो वहाँ पर वेट कर रहे हैं। और ये पहाड़ देखो, यहाँ पर हमें लाइन लगानी है, सामने फ्रिस्किंग पॉइंट के अंदर चेकिंग होकर जाना है और वहीं से हमें, ये देखो ये मेरे सामने से गया और मैं बच गया इससे, और अब सामने लाइन में लगेंगे। और यहाँ पर मेन एंट्री है जिसपे हमारा यात्रा कार्ड और हमारा बैग चेक किया जाता है यहाँ पर। तो अभी हम लंगर खाने जा रहे हैं, गुलशन कुमार जी का ये लंगर है जो यहाँ पर बांटा जाता है। तो यहाँ से हमें नीचे जाना है लंगड़ के लिए। तो यहाँ पर हमें लंगे पैर जाना पड़ रहा है, जूता पहन के अलाउ नहीं है इसलिए लंगड़ खाने के लिए सबको। यहाँ पर हमने जूता वहाँ पर उतार के रख दिया है। तेज चल रहे थे पर अब हम थोड़ा सा स्लो हो गए लाइन में। और ये रहा हमारे साथ लंगड़ हॉल है ये, जहाँ पर लंगड़ खिलाया जाएगा हमें। और थोड़ी सी लाइन थोड़ी कम स्लो हो चुकी है, देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हमें हलवा दिया गया है कटोरी में, आपने देख ही लिया होगा, ये देखिए सब यहाँ पर, सब यहाँ पर हलवे का आनंद ले रहे हैं। अंकल हलवा कैसा है? ठीक है, बहुत मस्त, एक नंबर हलवा है माता रानी का, तो हम भी खाएंगे। और आपको इसमें तो हम नुक्स निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हम माता रानी का प्रसाद है और प्रसाद तो हमेशा एक नंबर होता है, बाहर के खाने से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ये, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। यहाँ पर प्लेट मिल चुका है सबको। को प्लेट मिल चुका है और प्रसाद अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और भाई ने जब तक पूरा आलू खत्म कर दिया, भंडारा बहुत ज़्यादा टेस्टी था और पेट भर के खाया, मज़ा आ गया। और आप चलेंगे ऊपर की बालगंगा, बालगंगा की तरफ चलेंगे आप।
भंडारा खाने के बाद अब हम निकल चुके हैं गंगा बाल स्नान करने के लिए। तो गंगा स्नान करने के लिए अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है। स्नान घाट, ये रहा स्नान घाट जहाँ से हमें नीचे जाना है गंगा स्नान करने के लिए। यहाँ पर हम सब ने मिलकर बाल गंगा स्नान का आनंद लिया है और यहाँ पर हमारा अचानक से प्लान बन गया कि हम वाटरफॉल के नीचे ही नहाएंगे। तो हम निकल चुके हैं वाटरफॉल की तरफ। तो ये रहा हमारा वाटरफॉल जहाँ पर हम बाल गंगा स्नान कर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये हमारा भाई फुल मजा ले रहा है बाल गंगा के। पानी गाइस, पानी बहुत ठंडा है, इतना ठंडा पानी है ना ऐसा लग रहा है कि बर्फ के अंदर नहा रहे हो हम। ब्लॉग ज्यादा लंबी होने की वजह से ये पूरे 3 पार्ट में आएगी, तो आप अगले पार्ट का वेट कीजिए।